गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आपका? आपका स्वागत है आपके ब्रेवो द रॉटवाइलर चैनल में। तो इट्स बीन 20 डेज कि मेरे रॉटवाइलर और आपका सिम्बा जो जर्मन शेपर्ड है वो नहीं मिले हैं, और मतलब 2020 में मिले थे तो अब मिलने जा रहे हैं। मॉर्निंग में उनका थोड़ा सा खेलने का टाइम अब ड्यू हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाए अगर मिक्सअप ना हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे पास पहले थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, अब टाइम है तो मॉर्निंग में इनको थोड़ा मिक्सअप करा जाए, इनके साथ खेला जाए और इनको थोड़ा नॉर्मल करा जाए। आइए देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। अच्छा अच्छा दोनों सुधर जाओ। अच्छा नए साल है। अच्छा अच्छा हट। अच्छा सुधर नहीं रहे। ओए ओए नो कौन आपको पता है कि आपका जब डॉग यंग होता है और एनर्जेटिक भी है तो आप उसको अनलीश करने से डरते हैं कई बार, कि ऑल द टाइम यू कांट टेक दैट रिस्क कि आप अपने डॉग को अनलीश कीजिए। तो इस वीडियो में अनलीश करके धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊंगा कि आप रोज़ ग्रेजुअली अनलीश कीजिए, अपने डॉग के साथ बात कीजिए, उसे इन्वॉल्व कीजिए, उसे ट्रीट दीजिए, तो वो आपकी बात कैसे सुन सकता है। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा आपका डॉग और आपके सुनने भी लगेगा, उसे पता चलेगा कि अनलीश करके भी डॉग घर में रह सकता है। लैब के साथ ही कोई इशू नहीं आता, बट जितने एनर्जेटिक डॉग हैं, पिटबुल हो गया, लैब की जगह आपका जर्मन शेफर्ड हो गया, डोबरमैन हो गया, ये डॉग्स के अंदर बहुत एनर्जी रहती है। इवन बीगल भी कई बार काम कर देता है, जैसे आपके कभी शूज़ को काट लिया या आपके वॉलेट को उठा के ले गया, उसको ही काट दिया, तो आपको ये इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर आपका जो डॉग है और वो अनलीश कर देते हो आप घर में और वो बहुत शैतानी करता है, उसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए। इसका परफेक्ट एग्जांपल है सिम्बा। अगर इसे खोल दें तो अभी इसकी एज भी ऐसी है, इज जस्ट 1.5 इयर्स ओल्ड करेंटली, तो ये एनर्जेटिक भी है और इसको घूमना बहुत पसंद है। कईयों के घर में शिकायत आती है कि उनके डॉग जो हैं शूज़ खा लेते हैं, किसी का वॉलेट खा लेते हैं, तो उसका एक बेसिक कंट्रोल करने के लिए आज देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। ये फ़िलहाल अनलीश है और ये मेरे पास आके बैठा है, इसलिए बैठा है क्योंकि मेरे पास ये ट्रीट है इसकी। आई विल बी गिविंग अ ट्रीट फॉर माय डॉग दैट इज सिम्बा, दैट्स व्हाई इज इन सो मच कंट्रोल एज इफ इज द मोस्ट इनोसेंट डॉग इन दिस होल यूनिवर्स। लेट्स सी एंड चेक इट आउट। Simba, this is your food. Go grab it. Will he eat? No. I think he is losing the interest. जो इसको ये treat मिल रही है, is not interested in this kind of treat. First sit. Sit. Good boy. Shake hand. Chicken, good boy. Here's your treat. He's always fond of eating non-veg or pedigree or all canine.
फूड लाइक नॉर्मल ब्रेड इज नॉट ऑफ हिज इंटरेस्ट, सो लेट्स ट्राई इट अगेन, विल ही ईट और नॉट. इसका जहाँ इंटरेस्ट खत्म होना या फिर भागना शुरू करेगा इधर से उधर. Not interested, not at all interested. So, आपने क्या देखा इस वीडियो में? My Simba got interested in the kind of treat which I had for him, but इसने खाया ही नहीं. अब ये मस्ती करने के मूड में आ गया है. तो जो आपके डॉग को पसंद हो ट्रीट, आप उसको वो दीजिए. और that's how you can control your dog unleashed करने के बाद भी, है ना भाई? और अभी तो इवनिंग वॉक करके आया तो इसलिए बेचारे के पहले थका हुआ. सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, गुड बॉय. शेक हैंड पहले कर लेगा, शेक हैंड तो पहले करेगा, काटियो मत.